देखिए, विदेश नीति क्या होती है इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहते हैं। सरकार की अपनी विदेश नीति होती है और कूटनीतिक नीति जो बनती है वो कूटनीति के आधार पर बनती है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय अभी फंसे हुए हैं, उसमें छात्र हैं, नौजवान हैं। भारत सरकार पूरे संकल्प के साथ जितना जल्दी हो सके यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर अपने स्वदेश वापस लाने का प्रयास करें। ठीक है सर। सर दावा नहीं कर रहे हैं इस चुनाव में, लेकिन हम पार्टी को मजबूत करने के लिए यह चुनाव लड़ रहे हैं और हमको संभावना है कि 3-4 जगह हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन हम आने वाले समय में एक मजबूत पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरेंगे। 2017 में पार्टी से एक हम लोगों से भूल हुई थी, हम लोग 2017 का चुनाव नहीं लड़े थे। अगर 2017 का चुनाव हमने लड़ा होता तो आज परिस्थिति कुछ भिन्न होती उत्तर प्रदेश में और हम एक मजबूत ताकत के रूप में रहते। इसलिए कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार जी को मानने वाले और चाहने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं। उन लोगों का सदैव ये दबाव रहा था कि उत्तर प्रदेश में आप समय नहीं देते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में समय देंगे। हमने भी प्रदेश अध्यक्ष को कहा है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद हर जिला में सम्मेलन आयोजित करिए, मैं उस जिला के सम्मेलन में जाऊंगा और प्रदेश स्तर पर उसके बाद एक हम लखनऊ में सम्मेलन करेंगे जिसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी भी आएंगे।